ये भी गिलास कसम आके बंद करो अपने पहले यार ये क्लचर किसका है तुम्हारी गाड़ी में से मिला ये मम्मी कसम मेरा नहीं है क्लचर ऐसी ड्रामा ही करते रहो तुम हाँ पूजा कुणाल कुणाल क्या हुआ यार कुणाल लाश बोल के तुमने एक घंटा निकाल दिया है तो कोई दिक्कत हो ना है प्लीज समझो ना कुणाल मम्मी के ऑलरेडी कॉल्स आ गए मुझे लेट हो रहा है यार प्लीज समझो बेबी मुझे भी तो लेट हो रहा है ना बस कसम से ला कसम से मैं चला जाऊंगा भगवान कसम अच्छा ठीक है आंखें बंद करो अपनी पहले यार तुम कॉल कर लो अरे बात सुनो अरे इसको बात बात मिटा दो दो मिनट बस अरे कल मिल तो रहे हैं सुनो तुम अभी बात करो अरे एक दो मिनट बोल बाय क्या बोलो कब तक आ रहे हो अरे अभी कहाँ यार अभी तो मीटिंग ओवर हुई है ये रात के 10 बजे कौन सी मीटिंग होती है तुम्हारी इससे पहले तो रात को मीटिंग्स होती थी ना तुम्हें केवल आदत हो गई है शक करने की क्योंकि हमेशा से तुम्हारी आदत है बातों को मैनिपुलेट करने की मैंने कहा मैनिपुलेट किया कुछ भी तुम्हें केवल बहाने चाहिए मुझसे झगड़ने के लिए अपनी हरकतें सुधार लो समझे मुझे कोई शौक नहीं तुमसे झगड़ा करने का पूरा दिन ऑफिस में पागलों की तरह लगा रहता हूँ सोचता हूँ कि घर आके शांति से प्यार से तुम्हारे साथ 2 मिनट स्पेंड करूंगा घर आने से पहले ही तुम ये सब ड्रामा करके पूरा मूड ऑफ कर देती हो पता है तुम्हारा डेली का हो गया है नहीं इससे तो अच्छा है मैं यहीं पड़ा रहता हूँ रोड पे दारू पी के दरुओं की तरह दरुआ बन जाता हूँ ठीक है ना हाँ तो पड़े रहो क्या हुआ क्यों देख रही हो भूल गए ना क्या भूल गया मेरी कोई बात याद रहती तो नहीं है तुम्हें पर ऑफिस में वैसे ही काम का बहुत प्रेशर रहता है भूल गया हूँ क्या क्या मंगवाया था चार्जर का केबल अरे यार ये काम करो मेरी कार में पड़ा हुआ ना वो तुम ले लो मैं अपने लिए नया ले आऊंगा या तो मैं लेके आऊं मैं लेके आऊं नहीं मैं लेके आता हूँ हैं खाना तो बाद में खाऊं छोड़ ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है क्या है ये क्लचर है किसका है किसका है क्या क्या पागल हो गया क्या ये क्लचर किसका है मुझे क्या पता किसका है चढ़ी रहती हो फालतू में तुम्हारी गाड़ी में से मिला ये ये क्लचर किसका है मम्मी कसम मेरा नहीं है क्लचर कसम से मेरा नहीं है यार हाँ तो तुम्हारा नहीं होगा ना इतने लंबे बाल नहीं है तुम्हारे किसका है ये तुम्हारी होगा पहले कभी लिया होगा गलती से चला गया सीट के अंदर आज मैं लिया अच्छा ना यूज कर लो ना चुप क्लचर हो सकता मुझे गाली दी तुमने अरे क्लचर को बोल रहा हूँ यार दिए क्या कभी तुमको गाली क्लचर को बोल रहा हूँ ड्रामा ही करते रहो तुम सुनो तो बात तो सुनो बोलो अरे पहले इसको साइड में रखो रखो ना
मैं भी कल वो सेमिनार के लिए ना 4-5 लोग मेरे साथ गए, तो हो सकता है उसमें से किसी का क्लचर रह गया हो। नहीं, कौन कौन गया था? वही अपना वो मोनिका थी, पायल थी और रवि था और वो भूषण था। तो तुमने किसी से पूछा नहीं वो क्लचर किसका है? अब इतनी रात को फोन करके पूछो क्लचर किसका है? डायमंड तोड़ना है, सुबह ऑफिस में जाऊंगा तो सीधा दे दूंगा ना। तो फालतू में पैनिक हो जाती हो यार। मैं पैनिक हो जाती हूँ और नहीं तो क्या। अच्छा ये बता, तुमको मुझ पर थोड़ा बहुत ट्रस्ट है या नहीं है? ट्रस्ट है या नहीं है? सो जाओ, पहले बोलो ना, है या नहीं है? हाँ, सो जाओ, है ना? हाँ। तो बस तो ऑफिस में जाके सबसे पहले तुमको बताऊंगा है कहाँ, देना क्लचर देना। तो सबसे पहले तुमको बताऊंगा क्लचर है किसका, ठीक है ना? बस अभी तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? तुम सो जाओ, मुझे नहीं सोना। एक मिनट, लाइट बंद कर। नहीं नहीं, क्यों? तुम सो जाओ। ये देख रही हो? ये तो मैंने ही देखी है। अभी देखना आगे जाके ये लड़की कूद जाएगी ऊपर से। कूदेगी देखना। दे दे, काम करो, सो ही जाते हैं। मेरे को लाइट बंद कर दो। करूं क्या? जो मन में आए वो करो। कल को लास्ट वाली रही थी ना, एक मिनट। हाँ पूजा, हेलो पूजा। हाँ पूजा, क्या हुआ? हेलो, अरे पूजा क्या हुआ? सब ठीक है? पता नहीं, जोर जोर से चिल्ला रही थी। क्यों? तुम्हें कब पता लगा? जब मैं खाना बना के बाथरूम में गई थी तब। लेकिन बेसिन में इतना ब्लड आया कहां से? मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। आज दोपहर को जब मैं सो रही थी, हाँ, तो मैंने सुमन दीदी को सपने में देखा। कौन सुमन दीदी? रमेश अंकल की बेटी, जिसने सुसाइड किया था। और जब मेरी आंख खुली तो यहां से जाते हुए देखा। मुझे बहुत डर। कुछ नहीं, तुम नींद में होगी। तुम सपना देखा हुआ तुमने। चलो सो जाओ। चलो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। अरे मैं खा लूंगा, मैं ले लूंगा। चलो सो जाओ। चलो
एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, फिर मैं खा लूँ। तुम आराम से सो जाओ, मैं खाना खाती हूँ। तुम्हारे दिमाग का है? जब से आए हो तब से देख रही हूँ तुम्हें, पूरे रास्ते तुमने कुछ बोला नहीं। हुआ क्या है तुम्हें? पूजा की तबीयत ठीक है। क्या हुआ उसे? काम करो तुम अभी, कल मिलते। फाइन, बाय। हाँ पूजा, आ गए वो? ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। आपके घर में प्रेत बाधा है। स्त्री है। उसका नाम सुमन है। वो बोलो ना, सुमन है। सुमन है, सुमन, सुमन। ये कोई खास मकसद के लिए आई है। कौन सा मकसद? जब तक इसका मकसद पूरा नहीं हो जाता, ये यहां से बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप कुछ करो। मुझे उसके लिए एक छोटी सी क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ तो करो। उस प्रेत को बुलाऊंगा और मेरे अंदर प्रवेश होगी। अगर ये मुझ पे हावी होने लगे तो ये माला मेरे गले में डाल देना। सुमंदिर तुमको दिखे, इसे स्त्री नहीं छू सकती। पकड़ो। मुझे उससे बात तो करने दो। पकड़ो।
मुझे इसका मकसद जानना है। कोई जानना मकसद उसको लेके जाओ। मैं इसे अभी नहीं ले जा सकता। कब लेके जाओगे? मुझे इसके लिए कोई बड़ी क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ तो करो अभी। मैं यहाँ नहीं कर सकता। तो कहाँ करोगे? मेरे स्थान पे करूंगा। हाँ तो आज आके अभी करो। आज नहीं हो सकता ये। तो ये अमावस की रात को होगा। अमावस को शनिवार के चलिए शनिवार सोमवार मंगलवार चार दिन के बाद है तो चार दिन रहेगी वो। उसके लिए मैं उपाय देके जाऊंगा। मेरी बीवी ली ये दोनों के लिए है। इसको आप अपने दोनों से दूर मत रखना। जब तक ये आपके पास रहेगी वो प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़। लाइट ऑफ कर दो। पागल हो क्या? इसको यहां रहने दो ना सेंटर में। सुमन जी ने सुसाइड क्यों किया था? एग्जैक्टली तो पता नहीं लेकिन पोजीशन के चक्कर में। तो आई क्लोज नहीं क्या वो? इतनी भी नहीं। यार तो मुंबई में रहती थी ना? हाँ। जयपुर से मतलब हमको? ठीक है तुम ज्यादा सोचो मत और सो जाओ। हाँ नहीं सो जाओ। सो जाओ। सो पूजा पूजा नींद नहीं आ रही। Thank you.
मुझे क्या हो गया? सुमन, सुमन, तूने भी उसके साथ वही किया ना जो मनीष ने मेरे साथ किया? किसके साथ ही नहीं, किसके साथ? बोल किसके साथ? क्लचर किसका था? कौन सा क्लचर दीदी? बोल क्लचर किसका था? शेफाली का था दीदी, शेफाली का। वो पूजा को मत बोलना दीदी, पूजा को मत बोलना। ना बोल। शेफाली का था, पूजा को मत बोलना दीदी। गलती हो गई। सुमन दीदी गलती हो गई। दीदी। ये शेफाली कौन है? दीदी कौन है शेफाली? पूजा। कोई नहीं है शेफाली। बस एक ही है। ये कसम से एक ही है। दो बार मिला हूँ, कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिलूंगा। कल कोर्ट में पिलाती हूँ ना पानी।